2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया लोक कल्याणकारी, कहा नए भारत की समृद्धि का संकल्प व अंत्योदय का विजन है बजट, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में नागरिकों की सुनेंगे फरियाद। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ को बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या धाम के लिए किया गया रवाना। कहा अयोध्या पहुंचने के बाद इसी शालिग्राम देवशिला से तैयार की जाएगी भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है 14 टेबल। हर टेबल पर 4 राजस्व कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। गुरुवार को मतगणना पेटी को प्रत्याशियों के सामने खोलकर करेंगे गिनती जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन गरीबों की चिकित्सा, शिक्षा व अनाज का कर रहा है प्रबंध। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए शुरू किया गया है हिंदू हेल्पलाइन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मतगणना ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, YSP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने की बैठक। कहा कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं करेगा मोबाइल फोन का प्रयोग, मतगणना CCTV कैमरे के निगरानी में होगा सम्पन्न। धोखाधड़ी कर चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो चोरी के पीले धातु का गहना किया बरामद, भेजा जेल। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए बने नए सॉफ्टवेयर के संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा सॉफ्टवेयर में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से भरे सूचनाएं ताकि डाटा एनालिसिस के आधार पर सरकार को भेजी जा सके रिकमेंडेशन। भाजपा महानगर के कार्य समिति की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार का समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति का उत्थान करना है लक्ष्य। और 3 फरवरी को अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान विश्वकर्मा के प्रकट्य दिवस पर विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने दी जानकारी।